नमस्ते दोस्तों, मुझे आप लोगों से कोई बात करनी है। मेरा एक्चुअली बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है आज। कुछ कमेंट्स ऐसे आए जिनको पढ़ के मतलब बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया कि दुनिया कितनी बेकार है। कोई यदि शांति से जी रहा है ना तो उसको जीने नहीं देती है, उसके जो कुरेदे हुए दुख है ना उनको और कुरेदती 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 है ताकि वो उसको एहसास होता रहे बार बार। सबसे पहले मैं आपको कमेंट पढ़ के बताती हूँ। कोई सुमित्रा देवी जी हैं जो मेरे लिए लिखती हैं, शर्म नहीं आती, खुद लव मैरिज करके बैठी है, तेरा भी ड्रामा क्वीन हुआ होगा, विधवा हो गई तब भी सिंगार करती है, किसके लिए, हंस रही हैं और फिर लिखती हैं किसके लिए आप ऐसा लिखा है, भी सोच खराब रखी है, मतलब विधवा हो गई किसके लिए आप भी सोच खराब रखी है। देखिए सुमित्रा देवी जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप विधवा विधवा बोल रही हो ना, ये सब छोड़ दो, भगवान ना करे ये सब आपके साथ हो, है ना, ठीक है ना। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ, लेकिन जो जैसा बोलता है ना वो वैसा होता है यदि ट्रू पर्सन हो तो, है ना। कोई प्रिया रोहन जैसे नहीं, मेरे साथ जो हुआ है वास्तव में हुआ है, दुनिया को मालूम है, आपको नहीं है तो यहाँ के पता करो, मेरे पास सारे प्रूफ हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था लाइफ में। लेकिन मैं सोशल मीडिया में बहुत बाद में, मैंने 14 साल सहन किया है, मैं सच बता रही। आप लोगों जैसे होते ना तो कब के फांसी लगा के ऊपर चले गए होते, ठीक है। रहा विधवा का, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा हस्बैंड से मेरा डाइवोर्स 2017 में हो गया था और 2003 में मेरी उनसे शादी हुई थी। 14 साल तक मैं उनके साथ रही थी। 2017 के बाद मेरे हस्बैंड, इसके बाद मेरी सेकंड मैरिज हुई, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और मेरे रहते हुए मेरे हस्बैंड ने, जब मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ था, मेरे रहते हुए मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी। मैं आपको ये भी बताऊं, वो बात भी मैंने सहन करी थी। यदि आप लोगों को नहीं है बिलीव, मैंने सारा पूरा कुछ अपना जितना मेरा स्टोरी है पूरा मेरे चैनल पर डला हुआ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पूरे पार्ट 6 तक मेरी लाइफ की पूरी स्टोरी है, आया समझ में। आप लोग जाके वहाँ देख सकते हो। और दूसरी बात, यदि ऐसा भी और कुछ है कि आपको बिलीव नहीं होता, आओ विदिशा, किसी भी पर्सन से आप स्टेशन पर भी आके पूछ लोगे ना तो मंजू सोनी के साथ क्या हुआ था लाइफ में, क्योंकि मैं यहाँ एक पोजीशन रखती हूँ, आया समझ में। विदिशा में मेरी एक पोजीशन है, मेरा एक नाम चलता है विदिशा में। कोई मुझे है ना बेइज्जत तरीके से नहीं देखता है, एक प्राउड फील करते हैं मुझे देख के कि आज मैडम इतना सब कुछ स्ट्रगल करने के बाद एक मुकाम हासिल किया मैंने। मेरी स्ट्रगल का लोग उदाहरण देते हैं दूसरों को, इस तरीके से बेइज्जत नहीं करते जिस तरीके से आपने जो लिखा है ना। और रहा, चलो ठीक है, ये मैं बोल रही हूँ, आपने बोला कि मैं विधवा, ठीक है, विधवा का भी मैं बता देती हूँ। 2017 में मेरा डाइवोर्स हुआ, इसके बाद मेरी सेकंड मैरिज हुई। मैं आपको ये बताऊँ, सेकंड मैरिज मेरी सफल नहीं हुई क्योंकि मुझे चीट किया गया, धोखे से मेरे साथ शादी हुई मैट्रिमोनियल के थ्रू। वो आदमी पहले से शादीशुदा था, दूसरा उसकी पहले से वाइफ थी, उसके दो दो बच्चे थे, वो उनके साथ रह रहा था, मेरे साथ उसने चीट किया, मुझे सब कुछ सच नहीं बताया खुद को इतना। ये सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं, मैं एक एक करके सारा सोशल मीडिया पे फिर से शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को दिखें वो वीडियोस कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा होके बड़ा हुआ है। लेकिन इतना बड़ा धोखा दो दो बार मैंने लाइफ में खाया है, फिर भी मैं खड़ी हूँ अपने बच्चों के लिए, दोनों बेटियों के लिए। बहुत हर्ट करते कई लोग, पता है इतना हर्ट कर देते हैं। मैं अपने आप में बहुत स्ट्रांग बनती हूँ, मैं सच बता रही, लेकिन कहीं ना कहीं इतना जर्क सहने के बाद एक औरत टूट जाती है। और ऐसा कुछ पढ़ने में आता है तो बहुत बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, मैं सच बता रही। तो आप लोग खुद बताइए, जब मेरी सेकेंड मैरिज हुई और मेरे हस्बैंड की डेथ, जब मेरे राधिका और मिष्टी के जो पापा हैं उनकी डेथ अभी पिछले साल ही 2022 9 जून को हुई थी। अब आप ये बताइए कि मैं विधवा कहाँ से हो गई, मेरा तो पहले से ही डाइवोर्स हो गया था ना, मैं तो पहले से ही अलग हो गई थी, है ना। और चल ठीक है, आपने माना, मैंने वो चीज़ भी एक्सेप्ट करी कि अब हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में और मुझे ये सोच के बैठ जाना चाहिए कि मैं विधवा हूँ। तो क्या एक विधवा का कोई शौक नहीं होता।
उसको ये बताना जरूरी है कि उसके साथ क्या होके पड़ा है। और ठीक है, आप लोग विधवाकार बोल रहे हो ना, एक बिंदी तो लगाती हूँ, लिपस्टिक ही तो लगाती हूँ, काजल का शौक है बस काजल लगा लेती हूँ। कौन सा, कभी आपने एक भी वीडियो में मुझे मंगलसूत्र पहने देखा है आप लोगों ने? कभी मेरे हाथों में आप लोगों ने चूड़ियाँ देखी हैं? कोई सा भी वीडियो आप खोल के देख लेना, बहुत रेयर ऐसा होगा कि एक आध सिंगल कड़ा मैंने डाला हो। मैं खुद से ही नहीं पहनती। क्या एक विधवा को अच्छे से रहने का कोई अधिकार नहीं है? यदि वो तैयार हो रही है, लिपस्टिक लगा रही है, अच्छे कपड़े पहन रही है, तो उसे ऐसे नहीं रहना चाहिए क्या? धिक्कार है ऐसी सोच पे। जो इस तरीके के आपने कमेंट किया ना सुमित्रा देवी जी, भगवान से डरो, मैं फिर बोल रही हूँ, है ना, इस तरीके का बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और पहले सर्च कर लो। और रहा प्रिया रोहन के लिए, मैंने बोला मैंने इस तरीके को कोई वर्ड यूज़ नहीं करे, जो उनका पूरा हिस्ट्री निकाला उसके आधार पे, और जो जो चीज़ मुझे पता चली उसके आधार पे, और ये चीज़ मैं ही नहीं बोलती, 99% लोग ये एक्सेप्ट कर चुके हैं जब से गोरखपुरिया भौजी ने डाला और सारा लाइव कुछ आके कि वो लोग फ्रॉड, ये सब पता चल चुका है कि ये लोग फ्रॉड थे, पूरा इनका स्क्रिप्टेड था दुनिया से पैसे वसूलने के लिए। लेकिन मेरा ये सब आप पूरे वीडियोस देखोगे ना तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा। मैंने अपनी लाइफ बहुत बाद में शेयर करी है यहाँ पे। मैं बाकायदा अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, कभी रोई गाई नहीं, जो है ठीक है, कभी कभी हर्ट हो जाती हूँ तो मैं शेयर कर लेती थी कुछ बातें कि ऐसा ऐसा है, लेकिन कभी ऐसे कोई शिकायत नहीं करी मैंने किसी से, या किसी से मैंने पैसा नहीं मांगा, कभी कुछ भी नहीं किया। अपने बलबूते पे आज खड़ी हूँ, अपनी मेहनत से मैं खड़ी हूँ। हार तोड़ मैंने मेहनत करी, इसमें लिखा है उसने, एक चीज़ और लिखी मैं आपको और बता रही, उसने गोरखपुरिया भौजी के लिए भी लिखी है, उसने लिखी है असली सच्चाई, सुमित्रा देवी का है ये। आज जो सुबह मैंने वीडियो डाला है उसमें एक कमेंट आया है, उसने लिखा असली सच्चाई सामने आ रही है, हमारे तो व्यूज़ आते नहीं, हड्डी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, डैश डैश। भौजाई का एक नाचते हुए अपने महादेव के प्राइवेट पार्ट को कैसे छूकर डांस कर रही है, इंस्टाग्राम पर है, गौर से देखा, कौन बोले सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सिर्फ अलका ही इज्जत वाली है। वेरी गुड, आप पहले खुद को देख लो आप कितनी इज्जत वाली हो। चलिए ठीक है, ये भी सब देख लिया, जो भी आप बोला वो भी सीखा। आपने मेरा पूरा वीडियोस देखे? कभी मेरी चीज़ों में कोई अश्लील चीज़ दिखी आपको? कोई भी एक शॉर्ट पे बता दो या मेरे वीडियोस पे बता दो एक अश्लील चीज़, क्योंकि ना मुझे ये सब चीज़ें पसंद हैं। मैं दूसरों के लिए बोलती हूँ तो मैं अपने ऊपर ये कभी फॉलो ही नहीं करती कि मैं इस तरीके से कोई भी वीडियोस बनाऊँ। मेरे वीडियोस काफ़ी साफ़ सुथरे होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं मेरे वीडियोस। मैं दूसरों को यही शिक्षा देती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ हो, तो सीखो। कि मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ, मेरे जितने स्टूडेंट्स भी आते हैं ना, खास तौर से लड़कियाँ, मैं उन्हें हमेशा समझाती हूँ बेटा कभी ऐसी गलती मत करना, बहुत सोच समझ के लाइफ में डिसीजन लो, क्योंकि लाइफ में यू टर्न नहीं होता है। हमने जो कर लिया ना वो एक हिस्ट्री बन जाता है और लिखा जाता है यहाँ पर कि हमने ये गलती करी थी। और उसका एहसास जिंदगी भर लोग हमें दिलाते रहते हैं, जैसे कि सुमित्रा देवी जी दिला रही हैं हमें एहसास। खैर ठीक है, ये सब गलतियों की सजा है और हमने एक्सेप्ट ही करी, लेकिन इस तरीके से मत बोलो यार, बहुत हर्ट होता है। एक औरत का आप ऐसे कैसे बोल सकते यार कि विधवा, आप भी तो एक औरत हो यार, भगवान ना करे कभी ऐसा आपके साथ हो और आपको कोई ऐसा एहसास दिलाए। और रहा सच धज के आने का, तो मैं क्या सच धज के आती हूँ, अभी भी आपके सामने बैठी हूँ, बिंदी लगाई है ना मैंने, और कुछ तो नहीं किया ना है? अब मेरा कलर ही फेयर है तो मैं क्या करूँ, कहाँ छुपा लूँ ये सब चीज़ों को हुँ? आपको लगता है कि मैं मेकअप करके बैठ रही हूँ? मैं कोई मेकअप करके यहाँ नहीं बैठती हूँ।
जैसा, हाँ मुझे काजल लगाने का शौक है, मेरे वीडियोस में देखा होगा आपने, लिपस्टिक बिंदी और क्या अप्लाई कर रही हूँ मैं। और फिर मैं आप लोगों से क्यों पूछूं, मुझे अच्छा रहना है तो मैं अच्छे से ही बन के रहूँगी ना, ये आप लोग डिसाइड करने वाले नहीं होते हैं, मैं आप लोग के अकॉर्डिंग नहीं चलूँगी, ये मेरी खुद की लाइफ है, मुझे कैसे रहना है वो मैं डिसाइड करूँगी, आप लोग नहीं करेंगे। और आपको इस तरीके से सुमित्रा देवी जी कोई भी प्रॉब्लम है मेरे इससे, आप मेरे चैनल से बाकायदा जा सकती हैं, हट जाइए, हाइड कर दीजिए, मुझे आप नहीं चाहिए मेरे चैनल पे, मुझे अच्छे लोग ही चाहिए, अच्छी यूट्यूब फैमिली चाहिए, मुझे इस तरीके का कोई भी नहीं चाहिए मेरी फैमिली में, जिसे इस एक लेडी को देख के इस तरीके के विचार उसके मन में आए। धिक्कार है तुम्हारे विचारों पे, थू है, सच बता रही हूँ कि आप इस तरीके की थिंकिंग रखते हो किसी औरत के बारे में, कैसे सोच सकते हो यार, कुछ और भी बोल देते ना तो भी मुझे अच्छा लगता, लेकिन आपने जो आज सेंटेंस लिखा है मेरे लिए, बहुत सुबह से मैं बहुत दुखी हो रही हूँ, कब से मैं सोच रही हूँ कि मैं ये ब्लॉग बना के मैं आप लोगों के लिए बताऊँ कि ये लेडी कितनी, कई लोगों ने मेरे लिए सपोर्ट किया है, उसको खुद ही से रिप्लाई दे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए किसी, मैं बताती हूँ आप लोगों को, सच बता रही हूँ बहुत दुख हो रहा है मुझे, कोई दहली वाले करके है, थैंक यू आपके लिए, आपने मेरा सपोर्ट किया, उन्होंने रिप्लाई खुद ही दे दिया, मुझे रिप्लाई देने की ज़रूरत बाद में पड़ी, सच बताऊँ उनने मेरे से बहुत पहले 3 घंटे पहले उस लेडी को रिप्लाई दे दिया था कि तू कौन होती है ये सब बोलने वाली, तू है कौन ये तो बता, ये तो यूट्यूब है, रिएक्शन देना इनका काम है, पर तू कौन है बता, थैंक यू दिल्ली वाले, आपका नाम मुझे नहीं मालूम, इनका मेरे पास कमेंट आया है और इनने रिप्लाई दिया है, फिर लिखा है, इन्होंने ही लिखा है दिल्ली वाले ने कि अब दूसरी बार कुछ कमेंट करेगी तो जवाब सुनने के लिए तैयार रहना, थैंक यू, दिल से थैंक यू, किस तरीके के भी लोग हैं जो इस चीज़ों को समझते हैं, थैंक यू, दिल से थैंक यू, दिल्ली वाले करके चैनल है इनका, दूसरा पूनम भिंजा करके हैं, उन्होंने भी मेरे लिए लिखा है, सिंगार आप खरीद देते हो क्या, इन्होंने लिखा है सिंगार आप खरीद देते हो क्या, क्या सिंगार किया है, बस लिपस्टिक और बिंदी ही तो है, थैंक यू पूनम जी। फिर कोई एक और साहिल ने, साहिल साहिल करके एक चैनल है, उन्होंने लिखा है ठीक बोल रही है सुमित्रा दीदी, बिल्कुल भी शर्म नहीं आया है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। तो साहिल साहिल जी जो भी आपका चैनल है, पहले मुझे आप लोगों को ज़रूर देखना है एक बार, है ना, मैं अब ये चैनल खोल के ज़रूर देखूँगी आप लोगों के कि आप लोग कितने पानी में हो जो दूसरों के लिए इस तरीके के वर्ड्स बोल रहे हो, है ना, कुछ और कमेंट आए, मैंने इतने दिन से मैं गालियाँ सुन रही हूँ, मैं सही बताऊँ प्रिया रोहन के वीडियोस डाले, मैं गालियाँ सुन रही थी लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा यार, मैं सही बता रही हूँ, ये जो आज कमेंट आए ना ये सीधा मेरे दिल पे वार किया, इसने सीधा उठा के जो चीज़ बोली है ना वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई मेरे को, बहुत ज़्यादा, मैंने अभी घर में किसी को नहीं बताई कि मुझे क्या लिखा है, गालियाँ तो ठीक है, किसी को हमारे वीडियो पसंद आएंगे, किसी को नहीं आएंगे, जो हम रिएक्शन दे रहे हैं वो हो सकता है किसी को बहुत अच्छा लग रहा हो, किसी को बहुत बुरा लग रहा हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही हमको देगा, कमेंट करेगा, लेकिन ये जो आज कमेंट आया ना ये कमेंट अच्छा नहीं है यार दोस्तों, गालियाँ तो ठीक है आप देते हो, ठीक है क्योंकि वीडियो अच्छा नहीं लगा तो दे दिया, गालियाँ दे दी कुछ भी, लेकिन इस तरीके के वर्ड्स नहीं लिखो यार, ये बहुत हर्ट करते हैं अंदर से, एक औरत के लिए बहुत हर्ट कर जाते हैं, सच बताऊँ आज बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ मैं, कभी कभी लगता है कि क्या सोच है इंसानों की, कितनी घटिया सोच है, क्या एक औरत शांति से अपने घर रह रही है, उसके साथ इतना कुछ होके पड़ा हुआ लेकिन कभी किसी से कुछ शिकायत भी नहीं करी यार, सच बताऊँ मैंने हमेशा ये बोला कि आज जो मेरे साथ हुआ ना वो मेरे ही कर्मों की सजा थी, इवन तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करती,
किसी को नहीं, क्योंकि ना मेरे साथ किसी ने नहीं। मैं तो ये कह रही कि जो मेरे साथ बुरा करके भी गए ना, शायद वो मेरे ही कर्मों का फल था जो मुझे मिला है, कि मेरे साथ दो बार चीट हुआ। फर्स्ट मैरिज हुई उसमें भी, और दूसरी हुई उसमें भी। वो तो मेरा पूरा गोल्ड ही उठा के ले गया, आपको ये बता दूँ, पूरा गोल्ड चला गया मेरा, चोरी करके गया वो मेरे घर से, ऊपर से मेरी लाइफ फिनिश कर दी उसने। आगे ये सोचने के लिए मुझे कभी छोड़ा ही नहीं, मैं कभी किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकती, किसी भी आदमी पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आदमी जात से कहीं ना कहीं मुझे नफरत होती है, मैं सच बताऊँ, क्योंकि मेरे साथ दो दो बार चीट हुआ है। शांति से मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, शांति से मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन लोग है ना छोड़ते नहीं है। सुमित्रा देवी जी आप सुन लीजिए, ये मत बोलना कि मैम कैसे बोल रही है, लेकिन आपने मेरे लिए बोला है तो मेरे को बोलने का पूरा हक है कि मैं रिप्लाई दूं आपके लिए। तो वेट एंड वॉच, भगवान की लाठी जब बजती है ना उसमें आवाज़ नहीं होती है। आप किसी के लिए यदि इस तरीके की थिंकिंग रखते हो तो दिल से हाय निकलती है, सच बता रही हूँ, कि भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो और फिर आप उस चीज़ को भुगतो, फिर आपको मेरे वर्ड्स याद आएंगे, क्योंकि सारे कर्मों की सज़ा यहीं मिलती है। आज हमने किसी के साथ कुछ किया होगा तो हमें कर्मों की सज़ा मिली है, लेकिन आप यदि इस तरीके के वर्ड्स किसी और के लिए निकाल रहे हो तो डेफिनेटली भगवान आपको पनिश जरूर करेगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी मुझे और कुछ नहीं बोलना, मेरा बहुत मूड ऑफ हो रहा है, सच बता रही हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्दी दूसरे वीडियो के साथ, तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते सभी को।